हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम फिर से आ चुके हैं अपने टाउन हॉल 9 के बेस पर। और जैसे सबको मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि आप सब नीचे मुझे कमेंट करके कुछ आर्मीज बताइए या दो तीन ट्रूप्स बताइए जिनको ही कंबाइन करके मैं उन पर अटैक्स करूँ और फिर उस पर वीडियो लाऊं। सो सबसे नीचे कमेंट आया था कि भैया पैका, गोलम और विजर्ड्स को एक साथ यूज करो अपने टाउन हॉल 9 के बेस पर। सो मैंने सोचा इनडायरेक्टली ये तो गो वाइप अटैक स्ट्रेटजी बन गई। सो फिर मैंने सोचा यार ये अटैक स्ट्रेटजी जो 1 से 1.5 साल पुरानी अटैक स्ट्रेटजी है, सो इस पर क्या ही मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि काफी बोरिंग सी लगेगी आपको, क्योंकि आज से 1-2 साल पहले ये अटैक स्ट्रेटजी आ चुकी थी, उस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई हुई है। सो मैंने सोचा यार मैं बनाऊंगा कहीं ना कहीं आपको बोरिंग ना लगे। तो फिर मैंने सोचा यार देखो, अगर मैं जैसे पहले लोग अटैक करते थे वैसे बिल्कुल सेम करूं, मतलब कि दो तरफ से ऐसे फनल क्रिएट करूं, उसके बाद बीच में सारे ट्रूप डालूं, मतलब कि गोलम, पैका, मेरे हीरोज, विजर्ड, सीसी के ट्रूप सारे कोर में जाएंगे और ब्लास्ट करेंगे और हम अर्थक्वेक स्पेल ले जाएंगे। तो मैंने सोचा अगर मैं वैसे ही बिल्कुल सेम अटैक करूंगा तो आप सब कहोगे यार मानो भाई क्या कर रहे हो यार आप, तो मतलब जो चीज हम 2 साल पहले देखते थे आप वही सेम चीज हमें आज दिखा रहे हो। तो मैंने सोचा चलो यार कुछ चेंज करते हैं हम। मैं आज क्या करने वाला हूँ, मैं अपनी पूरी आर्मी कॉम्पोजिशन चेंज रखने वाला हूँ, अटैक भी बिल्कुल अलग तरीके से करने वाला हूँ। वो मैं कैसे करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको आर्मी कॉम्पोजिशन दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम 2 गोलम्स लेकर जाने वाले, 3 पैकर्स लेकर जाने वाले, यहाँ पर हम 3 हीलर्स और 8 विजर्ड्स लेकर जाने वाले हैं। बाकी यहाँ पर 5 वॉल ब्रेकर्स होंगे, 1 आर्चर होगी। स्पेल्स की बात करें यहाँ पर 2 रेस स्पेल होगी, 1 हील स्पेल होगी, 1 जंप स्पेल होगी और 1 पॉइजन स्पेल होगी। और सीसी में बात करें तो यहाँ पर हम बोलर्स लेकर जाने वाले हैं और 1 फ्री स्पेल लेकर जाने वाले हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्चुअल प्लान होने क्या वाला है। तो मतलब पहले क्या होता था, मतलब 2 तरफ से अटैक करके बीच में फनल करते थे, बट नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, 3 तरफ से अटैक करने वाला हूँ। जो चौथा हिस्सा होगा उसको मैं बैक एंड बनाऊंगा, मतलब कि एक साइड से मैं आर्चर को डिप्लॉय करूंगा जिससे क्वीन सारा लेते जाएगी, दूसरी तरफ से मैं पैकर्स को डालूंगा, पीछे से विजर्ड्स होंगे, और तीसरी तरफ से मैं गोलम्स को डालूंगा और पीछे से बॉलर्स आएंगे। सो मतलब कि मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं लगता कभी किसी ने ऐसे मतलब कि एक बेस पर 3 तरह से अटैक जाते हुए देख रहे, वो भी इतने छोटे टाउन हॉल पर, मतलब टाउन हॉल 9 पर, टाउन हॉल 12 पर, 13 पर तो ऐसा होता भी रहता है क्योंकि बेस बहुत बड़ा होता है तो लोग ऐसा करते हैं, बट टाउन हॉल 9 पर मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ऐसा किया होगा। तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा यूनिक वे में ट्राई करके देखते हैं गो वाइप अटैक स्ट्रेटजी को, तो देखते हैं कितनी हेल्पफुल होती है हमारे लिए अटैक स्ट्रेटजी। और तीनों लाइव अटैक करेंगे और देखेंगे क्या तीनों 3 स्टार होते हैं, 2 स्टार होते हैं, टाइम फेल होता है, क्या होता है, वो सारा हम आज इसी वीडियो में देखेंगे लाइव जब अटैक करेंगे। चलिए गाइस बढ़ते हैं अटैक की तरफ। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को गाइस अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो आप सब्सक्राइब करोगे तब तक भाई का चैनल ग्रो होगा, तो प्लीज यार चैनल को करो सब्सक्राइब। नीचे का सब्सक्राइब बटन आपको लाल दिख रहा है तो उसको दबाकर ग्रे कर दो, और बाजू का बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि मैं जो आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं, अटैक स्ट्रेटजी के बेस्ड वीडियोस लाता रहता हूं, वो आप कोई भी मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अटैक की तरफ। सो ओके गाइस, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने जो अटैक किया था बिल्कुल लाइव अटैक किया था। प्रॉब्लम मतलब ऐसा नहीं हुआ कि स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हुई है या मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई है, वो सब कुछ हुआ, बट यार प्रॉब्लम क्या होगी, मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा था ना वीडियो, तो आपको पता होगा आपको ऑप्शन नाइट शील्ड का, तो नाइट शील्ड मेरी ऑन हुई पड़ी थी, उस कारण जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड की तो पूरी ऑरेंज स्क्रीन आ रही थी। अब जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल जब मैंने रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद ऐसा शो हो रहा था। सो मैंने सोचा यार क्या ही हो गया यार, मतलब सीरियस बता रहा हूँ, लाइव में जो मजा आता है ना वो मतलब रिप्ले में नहीं आता, वो लाइव में होता है यार 3 स्टार होगा नहीं होगा, 2 स्टार होगा क्या होगा कुछ पता नहीं होता, बट रिप्ले में तो पता है। बट फिर मैंने सोचा चलो मैं वही आपको अटैक दिखा देता हूँ जो कि ऑरेंज है। फिर मैंने सोचा नहीं यार आपका कहीं सर दर्द होने लग गया, मैंने खुद 1-2 बार देखा मेरा सर दर्द होने लग गया क्योंकि बहुत डार्क दिख रहा था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो मैंने सोचा चलो यार आपको रिप्ले दिखा देता हूँ, क्योंकि बात तो ये है ना कि आपको अटैक दिखाना कैसा हुआ। अगले दिन 2 अटैक्स करेंगे और ये मैं आपको रिप्ले दिखा रहा हूँ, उसमें नाइट शील्ड ऑफ कर दिया, आपको स्क्रीन ऑरेंज नहीं दिख रही होगी, आई होप सो। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमने कैसा यहाँ पर अटैक किया। आपको क्या लगता है यहाँ पर हमने क्या किया होगा, कितने यहाँ पर हमने स्टार्स निकाले होंगे। बेस तो फुल्ली मैक्स है और यहाँ पर आर्चर क्वीन मैंने इस तरफ से क्यों निकाली गई, मैं आपको रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा चलो यार हमारी आर्चर क्वीन एनिमी की आर्चर क्वीन को भी टैकल कर लेगी और हमारी आर्चर क्वीन एनिमी की आर्चर क्वीन को भी निकाल लेगी इजिली से। सो उसके बाद यहाँ पर गाइस मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैंने क्या किया यहाँ पर, मुझे था कि सीसी में कुछ ना निकल जाए, सो यहाँ मैंने एक आर्चर डिप्लॉय करने की कोशिश की थी। देखो मैंने इसलिए डाली थी क्योंकि मैंने सोचा यार पॉइजन स्पेल या तो मैं सीसी के लिए रखूंगा या तो मैं दूसरी तरफ यहाँ पर बारबेरियन किंग के लिए रखूंगा। सो पता चल गया मैं बारबेरियन किंग के लिए रखने वाला हूँ। सो उसके बाद ज़्यादा मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, उसके बाद मैंने अटैक स्टार्ट कर दिया। यहाँ से मैंने पहले एक तरह से जैसे उसको मैंने कहा था, यहाँ से मैं आर्चर क्वीन को वॉक करवा रहा था, यहाँ से मैंने गोलम्स और यहाँ बॉलर्स को डाल दिया, तीसरी तरह से यहाँ से मैंने पैकर्स को डाल दिया, पीछे से विजिट्स को डाल दिया। तो मतलब कि आप देख सकते हैं मैं 3 तरह से यहाँ पर अटैक को टैकल कर रहा हूँ, मतलब कि मैंने यहाँ पर कोई भी फनल नहीं किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं मैंने 3 तरह से एरिया कवर किया है और ये जो एरिया वो मैंने बैक एंड बनाया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जंप स्पेल डाल दिया ताकि हमारे जितने ट्रूप्स होंगे सारे कोर में जाएंगे। और बात करें यहाँ पर बॉलर्स की, इस अटैक में मेरा मोस्टली अगर बात करें तो मेन जो इनका पार्ट होता है वो बॉलर्स का होता है, क्योंकि इन टाउन हॉल 9 पर बॉलर्स
अगर ज़्यादा एक्टिव तो होते नहीं, तो सीसी से लेने पड़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। प्रोड हमारे पास लेवल 4 के है, बट तब भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा हुआ। हमारी आर्चोविन ऊपर से बहुत ही ओपी यहाँ पर मैं वैल्यू दे रही थी। और यहाँ पर गाइस अब मैं आपको बता रहा लाइव में क्या हुआ था, यहाँ मैं हिम्मत हार चुका था। मुझे था कि यहाँ पर मेरा 1 स्टार होगा बस, क्योंकि आर्चोविन अंदर तो आ नहीं पाती। बट यहाँ पर देखो यहाँ हुआ क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी जो जंप स्पेल थी वो खत्म हो गई। अब यहाँ पर हमारे जो पैकर्स को थे दोनों को वॉल फोड़नी पड़ गई थी। सो मुझे यहाँ पर काफ़ी डर सा लग गया था कि यहाँ पर यार मेरा टाउन हॉल भी नहीं निकल पाएगा। सो मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, बट उसके बाद जैसे ही पैकर्स ने एंट्री मारी अंदर, बस पूरी तबाही मच गई। मतलब कि 1 सेकंड में मुझे लगा कि ये नहीं, ये बेस मेरा 2 स्टार क्या, मेरा ये बेस सॉरी मेरा 3 स्टार क्या, 2 स्टार भी नहीं होगा। बट यहाँ पर हमारे दोनों पैकर्स आ गए अंदर, और उसके बाद एक सिंगल सा एक्सबो रह गया था, वो क्या ही बिगाड़ लेता। 2 पैकर्स थे हमारे पास, और यहाँ पर हीरोज भी पड़े हुए थे, और यहाँ पर बॉलर्स भी पड़े हुए थे, और 99% और यहाँ पर 100% 3 स्टार हो चुका है। और लूट की बात करें, आपको बताई दिया लूट सारी गई खड्डे में, और यहाँ पर जो डार्क लेजर मिला वो सारा मिल गया। जो काफी अच्छा अटैक गया, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज की रही कि लाइव अटैक नहीं कर पाया। मतलब कि लाइव होता तो आपको और मजा आता देखने में, बट चलिए प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं दूसरे अटैक की तरफ, और वो तो हम लाइव ही करेंगे क्योंकि मैंने नाइट शील्ड ऑफ कर दी है। सो चलिए गाइस बढ़ते हैं दूसरे अटैक की तरफ, देखते हैं कैसा बेस मिलता है। सो ओके गाइस ये मिल चुका है यहाँ पर हमारा बेस, और इस बेस को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि काफी ओपन बेस है, और अगर कोई न्यू आर्मी यूज कर रहा हूँ वो भी यूनिक वे में, तो अगर मैं ओपन बेस चूज करूंगा तो पता चलेगा ना वो आर्मी कितनी इफेक्टफुल है हमारे लिए। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आर्चर क्वीन डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले आर्चर क्वीन इसलिए डिप्लॉय की है ताकि एनिमी की आर्चर क्वीन निकल जाए, क्योंकि दिक्कत नहीं आएगी ना उसके बाद हमें। और देखते हैं यहाँ पर आर्चर क्वीन क्या करती है। चलिए यहाँ पर हम वॉल ब्रेकर्स डाल देते, 2 से देखते हैं काम बनता है नहीं बनता। नहीं 2 से काम नहीं बना, 1 और डालना पड़ेगा। जल्द से वॉल फूट जाए यहाँ पर। ओके यहाँ पर वॉल फूट चुकी है। अब हमारी आर्चर क्वीन अंदर की तरफ जाएगी, मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी हमारी आर्चर क्वीन को। सो अब यहाँ मैं बोला था ऊपर से हमें यहाँ पर चले गोलम्स डाल देते हैं दोनों, और यहाँ पर देखते हैं। सो ऊपर यहाँ पर चले बॉलर्स भी डाल देते हैं सारे, उसके बाद दोनों वॉल ब्रेकर्स भी हमने ऊपर ही डाल दिए हैं। और अब देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं। यहाँ पर आर्चर क्वीन और दूसरी आर्चर क्वीन का बहुत ही जल्दी होने वाला है फाइट। सो ऊपर की तरफ यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर हमने जंप स्पेल, अब यहाँ पर तो यार जंप स्पेल कहीं पर यूज़ पर आएगी नहीं। सो यहाँ पर हमने रेस स्पेल डिप्लॉय कर दी। ओ भाई साहब शुक्र है टाइम से रेस स्पेल यूज़ कर ली, वरना हमारी आर्चर क्वीन मर जाती। ऊपर की तरफ एक रेस स्पेल यूज़ करें ताकि बॉलर अच्छा अटैक कर सकें। और यहाँ पर चलिए किंग डाल देते हैं, यहाँ पर पैकर्स डाल देते हैं, और पीछे सारे विजर्ड्स डाल देते हैं, और यहाँ मैं जंप स्पेल यहीं पर डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने जंप स्पेल डाल दिया, और ऊपर की तरफ भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आई थिंक हील स्पेल की देखते हैं जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ओके डाल ही देते हैं, ऊपर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्यों ही बॉलर्स को मारना। और अंदर यहाँ पर अगर नीचे की तरफ बात करें तो सारे जितने भी ट्रूप्स हैं अंदर की तरफ आ चुके हैं, और यार काफ़ी मतलब कि लग रहा है कि ये हो सकता है 3 स्टार। यहाँ पर फ्री स्पेल इसलिए यूज़ की क्योंकि ये जो एक्सबो ने बहुत तंग कर रहा था, मैं सोच रहा यार क्यों मतलब कि ये पड़ी है तो यूज़ कर ही लेते हैं। सो यहाँ पर अभी हमारे पास पॉइजन स्पेल तो कहीं पर भी यूज़ पर नहीं आई है। सो यहाँ पर हम वेट करते हैं। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 3 स्टार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो हीलर्स हैं उन्होंने हील करना शुरू कर दिया हमारे ट्रूप्स को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। शुक्र है हीलर्स में दिमाग कहीं ना कहीं से आ गया है। और यहाँ हमारे पास पॉइजन स्पेल पड़ी हुई है। चलिए यहाँ पर स्वैग के लिए डाल देते हैं, और यहाँ पर आ चुके इनकी एबिलिटी भी स्वैग कर लेते हैं। सो यहाँ पर 95% भाई साहब, मतलब यहाँ पर मुझे लग रहा है ओपन बेस भी यहाँ पर 3 स्टार हो जाएगा ईजिली, 98%, 99%। और यहाँ पर आर्चर हमारी आखिरी निकाल रही है एलिक्सर कलेक्टर को। क्या लगता है सिर्फ आर्चर निकाल पाई है, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर बॉलर के एक शॉट ने यहाँ पर निकाल दिया एलिक्सर कलेक्टर को, और यहाँ पर आर्चर अकेले नहीं निकाल पाई। बट इसी के साथ साथ हमारा हो चुका है यहाँ पर 100% 3 स्टार। ओ भाई साहब, मतलब कि यार पहला बेस हमारा इतना टाइट बेस था उस पर हमने 3 स्टार कर लिया। अब दूसरे बेस की बात करें तो मैंने ओपन बेस इसलिए चूज किया क्योंकि एक अटैक स्ट्रेटजी को मैं यूनिक वे में यूज कर रहा हूँ। सो उसको मतलब अलग अलग तरह के बेसिस पर ट्राई करके देखें तभी तो पता चलेगा ना वो अटैक स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। सो मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, टाइट बेस पर भी बहुत अच्छी चली गई, और दूसरी बात करें यहाँ पर ओपन बेस पर भी बहुत अच्छा उसने काम किया। सो यहाँ पर हमने 2 अटैक तो 3 स्टार कर लिए, एक और अटैक की तरफ बढ़ते हैं, और क्या पता यहाँ हमारी विनिंग स्ट्रीक भी बन सकती है। सो ओके गाइस ये मिल चुका है हमारा बेस। अगर इस बेस की बात करें तो 8-साइडेड बेस है, और अगर हमने इस पर 3 स्टार कर लिया ना तो ये आर्मी का तो पता नहीं, पर ये तरीका इस आर्मी को यूज करने का लिटरली ओपी होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने आर्चर क्वीन डिप्लॉय कर दिया क्योंकि एनिमी के आर्चर क्वीन तो अभी मतलब रिपेयर के लिए गई हुई है, सॉरी रिपेयर कह रहा हूँ अपग्रेड के लिए गई हुई है। बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि बार्बेरियन किंग निकल जाए हमारी आर्चर क्वीन की हेल्प से। तो यहाँ पर हम 2 यहाँ पर डाल देते हैं वॉल ब्रेकर्स। ओ भाई साहब यहाँ पर 3 डालने थे, तो यहाँ पर 3रा वॉल ब्रेकर डाल देते हैं। बट आई थिंक यहाँ पर हम लेट हो गए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने चलिए एक रेस स्पेल यूज़ कर लिया है, और यहाँ पर देखते हैं बार्बेरियन किंग मतलब बहुत ही जल्दी अब यहाँ पर टैकल करेगी आर्चर क्वीन, देखते हैं करेगी नहीं करेगी। आई थिंक आर्चर क्वीन बाहर जा रही है। ओ शिट, यहाँ पर जिस चीज़ की प्रॉब्लम थी मुझे लग रहा था होगा वही चीज़ हो गई, आर्चर क्वीन बाहर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर अब क्या करते हैं मेरे हिसाब से, एक मिनट रुकना, यहाँ पर चलिए एक पैकर डाल देते हैं, थोड़ा यहाँ पर
देखते हैं क्या होगा। एक मिनट, बाकी पैकर्स यहाँ पर डालें, यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रॉब्लम है, कह रहा सीसी में कुछ निकल भी सकता है। सो यहाँ पर चलिए यार हम दोनों गोलम्स डाल देते हैं। मैं तो क्यों थोड़ा वेट कर रहा था, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे है कि आर्चर क्वीन से कहीं हीलर्स दूर ना हो जाएं। और बात करें यहाँ पर, चलिए आर्चर क्वीन ने एनिमी के किंग को निकाल लिया और यहाँ पर हमने बोलर्स भी डाल दिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर हमने जंप स्पेल डाल दिया ताकि हमारे जितने ट्रूप्स हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे। और देखते हैं यहाँ पर अब क्या होता है। यहाँ पर साइड की तरफ पैकर डाल देते हैं, जैसे जैसे को मैंने कहा तीन तरह से हम बेस को टैकल करेंगे, दो तरह से हमने कर लिया था, तीसरी तरह से यहाँ पर हम पैकर्स को डाल रहे हैं और यहाँ पर बारबेरियन किंग को भी डाल दिया। और यहाँ पर अब हमारे जो बॉलर्स हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉलर्स हैं कहीं कहीं यहाँ पर अटैक हो रहे हैं। यहाँ पर बात करें एक, बस ये एक यार एक्सबो बहुत तंग करता है, और ये एक्सबो भाई सब दोनों ग्राउंड थे, मतलब कि मुझे था टेंशन। बट यहाँ पर चलिए हील स्पेल यूज़ कर लेते हैं, रेस स्पेल हमारे पास है नहीं, मैं हील स्पेल लाता इसी कारण क्योंकि बॉलर्स की ना एचपी थोड़ी कम होती है। अगर मैं यहाँ पर रेस स्पेल लाता वो भी काम बन जाता, पर पता नहीं होता ना कैसा बेस मिल जाएगा, वॉर में तो पता होता है कैसा बेस है। सो यहाँ पर क्या लगता है गाइस, यहाँ पर हम थ्री स्टार कर पाएंगे? मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पर हो भी सकता है। क्या लगता है यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किंग पड़ा हुआ है, आर्चर क्वीन यहाँ पर हमारी मर चुकी है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ओके, यहाँ पर हमारे जो गोलम्स आई थिंक दोनों पड़े हुए हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर यस हो जाएगा यार, कुछ बचा तो है नहीं। यहाँ पर हमने पॉइजन स्पेल स्वैग के लिए डाल दी, फ्री स्पेल भी यहाँ पर स्वैग के लिए डाल दी, और भाई साहब यहाँ पर हो चुका 97%। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इजिली हो जाएगा यार थ्री स्टार, देखते कितनी पहले यहाँ पर हम थ्री स्टार करते हैं, 99%। और ओके गाइस, यहाँ पर हो चुका 100% थ्री स्टार, मतलब कि यार क्या ही आर्मी है यार ये, और जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ ना, मतलब कि लिटरली ओपी है यार ये आर्मी। मतलब कि पहले लोग फनल करके आर्मी को यूज करते थे, बट यार मतलब कि मैंने क्या तीन तरफ से अटैक करने की कोशिश की और चौथा मैं बैकएंड रखता था, पर तब भी यार ये आर्मी इतनी पावरफुल है कि तब भी हमने यहाँ पर थ्री स्टार कर लिया तीनों बेसिस पर। तो भाई है यार, मतलब कि तीनों बेसिस पर थ्री स्टार कर लिया और तीनों अलग अलग तरह के बेस थे, ये नहीं था कि तीनों एक तरह के बेस थे या कोई डेड बेस था या किसी के डिफेंसिस लो थे। सो यार मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तूने मतलब कि अटैक तूने छुपा लेता, जो थ्री स्टार होते वही से तू दिखाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, भाई साहब देख लो तीनों मैंने अटैक किए हैं। पहला यहाँ पर मैंने जो लाइव अटैक किया था वो मैंने आपको रिप्ले के थ्रू दिखा दिया, दूसरा यहाँ पर आप अटैक दिखे, तीसरा अटैक मैंने तीनों यही अटैक किया। इससे पहले मैं आपको अगर आप पिछला अटैक दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने कब अटैक किया था, अभी तीनों अटैक किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे पता है ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू सिर्फ अपने थ्री स्टार वाले अटैक दिखा दे बाकी छुपा लेता है, सो ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे पता है कि मैं आपको ऐसे बोलता तब भी यकीन ना करते, तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया है। सो कि गाइस, ये थे आज के तीन अटैक गो वाइप स्ट्रेटजी के साथ। और आप भी चाहते हैं मैं कोई और आर्मी के साथ या कोई दो तीन ट्रूप्स अलग के साथ अटैक करूं, सो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन पर भी अटैक करूंगा और उस पर वीडियो भी लाऊंगा। बट तो प्लीज यार कमेंट जरूर करना, मैं भी चाहता हूं अलग अलग आर्मीज यूज करूं। सो बस यार यही थी आज की वीडियो यहां से। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और लाने का, सो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना मत भूलना, एंड गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और उससे मोस्ट इंपोर्टेंट दो बड़े चक्कर में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस किया हुआ है। सो बस आज के लिए इतना, मैं आता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने साथियों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।